जारी किया 30 तारीख को, लेकिन इस पत्र को जो SDM है वो संज्ञान नहीं ले रहे इसका। अच्छा, ये पत्र जारी किया था DM ने, क्या ये एक्स्ट्रा है? हाँ बिल्कुल सब इस पत्र की संज्ञान नहीं ले रहे आज। आज हम लोग वही जो 15 दिन से होमवर्क चल रहा है हम शिक्षकों का, कि जो परिषदीय शिक्षकों को उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के विरुद्ध जिला प्रशासन परिषदीय शिक्षकों को VLO ड्यूटी में लगाने पर की जो बाध्यता थोप रहा है, हम लोग उसी को लेकर आज लगातार 15 दिन से होमवर्क कर रहे हैं। और 28 तारीख को जो ज्ञापन हमने जिलाधिकारी बरेली को दिया था उस पर माननीय जिलाधिकारी महोदय ने 30 तारीख को आदेश जारी किया था समस्त सहायक निर्वाचन अधिकारियों को, जिसका संज्ञान SDM स्तर से किसी भी तहसील पर नहीं लिया जा रहा है। तो आज हम लोग उसी सभी संगठनों के जो हमारे इस पदाधिकारी हैं, सभी संगठनों के पदाधिकारी आज मौजूद हैं, हम सब लोग मिलकर आज जिलाधिकारी महोदय को ये नोटिस कराया कि जो पत्र 30 तारीख को आपने जारी किया था उसका कोई संज्ञान SDM स्तर से नहीं लिया जा रहा है और शिक्षकों को VLO ड्यूटी थोपी जा रही है, उसको संज्ञान में लें और एक स्पष्ट आदेश जारी करें ताकि तहसील स्तर पर जो वादी किया जा रहा है शिक्षकों को VLO ड्यूटी के लिए, वो वादिता न कर सकें वो लोग और शिक्षकों को कुछ राहत मिल सके। तो उसको नोटिस लेकर DM साहब ने हम लोगों को आश्वस्त किया है, सभी संगठनों के पदाधिकारियों को, कि ADM साहब चूंकि आज शहर से बाहर हैं तो कल तक आ जाएंगे, संभवतः सोमवार को ADM ही भी मौजूद होंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो वो हम लोगों को भी बुलाएंगे, उनके साथ बैठ के बात होगी। तो जो शिक्षकों की जेन्युइन जो समस्याएँ हैं, जिन शिक्षकों के साथ काफ़ी हद तक हमारी उन तमाम मांगों में से लगभग मैं समझता हूँ कि 50% मांगे उन्होंने कंसीडर करने की का आश्वासन दिया है कि ADME के आने के बाद जो हमारे शिक्षक विकलांग हैं या जिन शिक्षकों के साथ जेन्युइन समस्याएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो महिलाएं और पुरुष हमारे शिक्षक साथी बाहर जनपदों के यहाँ बरेली में कार्यरत हैं और इस समय ग्रीष्म अवकाश के दौरान वे लोग अपने अपने जनपदों में अपने परिवार के साथ हैं, तो संभव नहीं है उनका VLO ड्यूटी करना।